हमारे पास कोई डायरेक्ट एंट्री रूट का ऑप्शन है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सीए का सीए इंटर क्लियर कर लिया है, तो क्या मुझे सीएस और सीएमए में एंट्री लेवल जो एग्जाम्स है उसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी, या फिर मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ सकती हूँ? लाइक कोई डायरेक्ट एंट्री का मुझे फायदा मिलेगा अगर मैं तीनों कोर्सेज को साथ में करके? तो सिर्फ एक फायदा है, जब आप सीए का फाइनल क्लियर कर लोगे या फिर सीएस या सीएमए का फाइनल क्लियर कर लोगे, तो बाकी दोनों सब्जेक्ट के इंटरमीडिएट से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। वो भी आई थिंक सी सीट, जो सीएस का नया रेगुलेशन आया है, उसके अंदर ये एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, वो आपको फाउंडेशन देने, सी सीट का फाउंडेशन देने पड़ेगा, सी सीट के अंदर वो एग्जेम्पशन नहीं है। बट अगर आप बाकी दोनों कोर्सेज देखें तो फाइनल क्लियर करने के बाद आपको फाउंडेशन में एग्जेम्पशन मिलता है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। फाउंडेशन देने में कुछ भी एफर्ट नहीं लगता, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं, मतलब फाइनल क्लियर करेंगे तब हमें फाउंडेशन का फायदा मिलेगा, नॉट यस नॉट इंटरमीडिएट। वही तो, इतना वेट क्यों करूंगा मैं फाइनल क्लियर करके दूसरी जगह फाउंडेशन से करूंगा? मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, डायरेक्ट एंट्री रूट उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो ग्रेजुएशन करके सीधा इंटरमीडिएट में एनरोल करा रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई या इवन अगर आप थर्ड ईयर में है तो आपका फाउंडेशन एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी सीयूईटी क्लियर करके, ट्वेल्थ क्लियर करके अभी अपने कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, उनके लिए सिंसियर रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सर कॉलेज खत्म होने के बाद इन कोर्सेज को शुरू करेंगे क्योंकि डायरेक्ट एंट्री रूट मिल जाता है? बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप सब फाउंडेशन दीजिए, फाउंडेशन से डरिए मत, बिकॉज फाउंडेशन इज अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपके 11th और 12th के फंडामेंटल्स को टेस्ट करता है। इसको क्लियर करने में बिल्कुल भी आपको टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगी, आपके 3 साल बच जाएंगे। आप क्यों ग्रेजुएशन में 3 साल पहले लगा के फिर आप एंट्री लेना चाहते हो? बिल्कुल ऐसा मत करो। ये अच्छा, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम तो रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं, किरोड़ी मल से, हंसराज से, लेडी श्रीराम से, सर रेगुलर कॉलेज के साथ हम सीएससीएमए नहीं कर सकते, तो हम ग्रेजुएशन करने के बाद सीएससीएमए शुरू करेंगे। नॉट अ गुड आइडिया अगेन गाइज, प्लीज ऐसा मत करो। आप फाउंडेशन क्लियर करो, आप अपने कॉलेज के साथ क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट क्लियर करो, इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप शुरू होती है, आर्टिकलशिप थर्ड ईयर में शुरू होगी। इवन अगर कोई प्रॉब्लम आए जहां पर क्लैशिंग की प्रॉब्लम आती है, तो थर्ड ईयर में जाके आप एसओएल को ऑप्ट कर सकते हो, अभी से एसओएल को ऑप्ट करना, क्योंकि मैंने कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी देखा है ये रिकमेंडेशन देते हुए कि इवन अगर आपका बड़े अच्छे कॉलेज में आ गया, सपोज आपका हंसराज में एडमिशन हो गया बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो आप मत लो एडमिशन और आप सीए करनी स्टार्ट कर दो। नॉट अ गुड गाइज, क्योंकि कॉलेज जाके ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कॉलेज जाके ही आपका होराइजन ब्रॉडन होता है। आज अगर मैं सीए सीएससीएमए तीनों डिग्रीज कर पाया हूं, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने रेगुलर किया किरोड़ीमल कॉलेज। वो इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के टॉपर्स मेरे साथ पढ़ते थे, पूरे वर्ल्ड के जो 95% थे वो मेरे साथ पढ़ते थे, और उनका जो एम होता था वो हमेशा हाई होता था, मतलब बहुत ज्यादा हाई। उन्हीं से इंस्पिरेशन पाके मैंने कहा चलो ठीक है तीनों कोर्सेज हम लोग करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का सीयूईटी का अभी एग्जाम है, क्योंकि आई थिंक एक दो हफ्ते में वो एग्जाम होने वाला है, प्लीज ढंग से दो। इवन अगर सीएससीएमए करना है तो भी सीयूटी का एग्जाम देके रेगुलर कॉलेज के साथ साथ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट निकालो, यही बेस्ट तरीका है ये कोर्स करने का। ग्रेजुएशन के बाद करोगे डिले हो जाएगा, मेरा बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं रहता कि ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट एंट्री लो।